आर्या नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉल में विज्ञान प्रदर्शनी व वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पुंडरी हल्का विधायक रणधीर गोलन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के साथ साथ प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत किया। उन्होंने मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए अन्य विद्यार्थियों को इसका अनुसरण करने की सलाह दी। उद्घाटन अवसर पर पहुंचे हैं सर, वार्षिक उत्सव है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं इस स्कूल के संचालक और जो इनकी मैनेजमेंट है उसका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया। और जो भाई रणवीर जी की सोच है कि इस गोड़गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र बड़े उसमें लगे हुए हैं और मैं पहले भी स्कूल में आता रहा हूँ, व्यापारीकरण ना करके इसका एक ही लक्ष्य है कि समाज के अंदर सही शिक्षा कैसे दी जाए। और उसी के अनुरूप आज इन्होंने साइंस लाइब्रेरी का उद्घाटन भी मेरे हाथ से कराया है। बायो तीनों विषयों की लैब है ये, जिसमें हर प्रकार के प्रयोग बच्चे कर सकते हैं। वैसे तो बैडमिंटन टूर्नामेंट एक ही दिख रहा है देखने में, पर इसमें छः सिंगल टूर्नामेंट है एज ग्रुप के हिसाब से और एक डबल का टूर्नामेंट ओपन का, और इसमें दो दिन चलेगा, आज कल समाप्त होगा इसका। और इसमें ओपन टूर्नामेंट भी है एज लेवल के, अंडर 14, अंडर 19 और अंडर 19 से ऊपर जो वो टूर्नामेंट होगा, लड़कों का अलग लड़कियों का। कुल कितने टीमें भाग लेंगी? हर एज ग्रुप में 16-16, 10 से ज़्यादा ज़्यादा है सभी ग्रुपों में। अर्थ प्रकाश के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।